हमारे गृह मंत्री की तरफ से एनआरसी एनपीआर सीए का बिल पास हुआ है। सब अपने कागजात तैयार करवा लें, जिसके बाद कागजात नहीं होंगे उसको हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, पीछे जगह दो, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, वरना डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। अब मैं चलता हूं, पीछे हो थोड़े से, बाद में करियो बात, जगह दो यहाँ, पीछे हो, शुरू पड़ेगा। विधानसभा में हमें मंजूर नहीं, हम विधानसभा का एहतराम करते हैं और इस देश को आजाद कराने में हम सबका बलिदान रहा है। हम इस देश से नहीं जाएंगे। भाइयों और बहनों, कोई भी कुछ भी कहे या करे, हम अपनी बात से पीछे हटने वाले नहीं। हमारे जबान से निकली बात पत्थर की लकीर की तरह है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। हमेशा थोड़ी एक मिनट, एक मिनट, वीडियो बना, वीडियो भाई कहाँ जा रहे हो? नदीम भाई कहीं नहीं जा रहा, बताइए। सब ठीक है, कृपा है आपको, तुम्हारे हमारे वतन हिंदुस्तान में अपने अनुज सनम के साथ रहोगे और जिंदगी गुजारोगे। हमें तो हिंदुस्तान में रहने के लिए कागजात की जरूरत है, नहीं तो हम यहाँ से पाकिस्तान भेजने जाएंगे। नदीम भाई, नेताजी के इस ऐलान एनआरसी एनपीआर सीएए से तुम्हें परेशान नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के तमाम इस ऐलान से परेशान है। बेहतर चल लागू हुए हैं, जिसकी वजह से आवाम सड़कों पर आ बैठी है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। आप एनआरसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो एनआरसी लागू हुई है हमें मंजूर नहीं, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो आने सब जाएंगे। आप एनआरसी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो एनआरसी का बिल पास किया है, मुसलमानों को यहाँ से जाने नहीं देंगे। अरे बलवीर सिंह कहाँ जा रहे हो? अरे बलवीर सिंह कहाँ जा रहे हो? मैं कागजात तलाश करने जा रहा हूँ। कौन सा तलाश करोगे, कहाँ से लाओगे? नदीम भाई, अरे टाटा के पास थे और टाटा जी ऊपर चले गए और जिनको कागजात चाहिए वो तुरंत ऊपर चला जाए और दादा से कागजात ले लें और उनसे कहें एनआरसी लागू हो गई है, कागजात दे दो, हिंदुस्तान में रहने के लिए कागजात की जरूरत है। मैं तो अब चला। ठीक है, अरे प्रधान जी कहाँ जा रहे हो? नदीम भैया, अपने पोते के साथ घर कागजात तलाश करने जा रहा हूँ। कागजात तलाश हुए, कहाँ से लाओगे? कागजात ढूंढ के अपने घर से लाऊंगा। बहुत दरअसल बात क्या है, और बात ये है कि मेरे दादा एक बकरा पालते थे, कागजात को बकरा खाया और बकरे को मेरे दादा बकरे इस पर खा गए, और अब मैं सोच रहा हूँ कि कागजात कहाँ से लाऊं, हम तो बड़े परेशान हैं। ये एनआरसी पता कब का लागू कर दी? अरे प्रधान जी घबराओ नहीं, ये तो हमारे आमान अमीन है, नमाज को छोड़ दिया, कुरान चला रहा है, लाइव चला रहे हैं, इसलिए तमाम मुसलमान परेशान है। अल्लाह ताला से दुआ करें इस परेशानी से हमारी हिफाजत फरमाए। अरे प्रधान जी, क्या कागजात तलाश करने में लगे रहोगे? यही कहा टाइम की नमाज सुबह लेते हो? अरे भैया, परसों तो जो नमाज पढ़ी थी पढ़ते देख लिया। प्रधान जी, उसे हमने नमाज नहीं लगी, अल्लाह के नबी ने चंद जगहों पर नमाज पढ़ने का मना फरमाया है।
कौन कौन सी है मुझे बतला दो। कब्रिस्तान में खाना खाने का चक्कर, इन तमाम जगहों पर नमाज नहीं। अगर तुम्हारे घर में पोता हो उसे तालीम हासिल कराए ताकि तुम्हें बात पैदा हो सके कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए कहाँ नहीं। भैया मेरा एक पोता है, आप उसका दाखिला करा दो। अब इसका दाखिला ईद के बाद होगा, इसको जो भी लेकर आना उसका दाखिला करा देना। ठीक है मैं चलता हूँ। आप कुछ ये क्या तुम्हारे नाम साहब तुम हमको गलत है, क्या करो अब इनका। तुम खुरा होने का मैं सीए का पैदा होगा, तुम्हें नागरिकता मिलेगी, तुम हिंदुस्तान में रहोगे। मास्टर साहब मैं चलता हूँ, तुम दिखाओ अपना। तुम्हारे का होगा सब ठीक है मैं चलता हूँ। ये क्या तुम्हारे कागजात में बहुत सी मिला है, मैं क्या करूँ इनका। तुम्हें भी सीए का हुआ जाएगा, तुम्हें नागरिक नहीं मिलेगी, तुम हिंदुस्तान में रहोगे। ये क्या है तुम्हारे कागजात बिल्कुल गलत है, तुम्हें सीए का फायदा नहीं होगा, तुम्हें नागरिक नहीं मिलेगी, तुम हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, पाकिस्तान भोज दिया जाएगा, अपने डाल दिया जाएगा। हम लेके रहेंगे, ये हक हमारा, जान हमारी, ये जान सुधारी, ये दुनिया मारे, हम लड़के रहेंगे, गांधी वाली, इश्वर वाली, इस्मी वाली, आत्मा वाली, आतंकवाद से, बातवाद से, ऊंच नीच से, भेदभाव से, हम घुसे मारे, सीए से, एनआरसी से, बीजेपी से। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वो एनआरसी पे ध्यान न दे, वो ज्यादातर रोजगार पर ध्यान दे। सारे